guys, this is Pratima and welcome to our channel Middle Row. I'll be taking physics course for class 8th and this video is made in order to give you a brief introduction about our upcoming videos. So basically, hum karne kya wale hain is like hum har chapter ke sub topics ko lekar uska 10 se 15 minute ke aas paas ka ek ek video banayenge aur isi tarike se hum ek pura playlist taiyar karne wale hain. तो ये तो था हमारा पहला टास्क विच विल बी डूइंग. इसके अलावा हमने ये सोचा है कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, मतलब यूजुअली क्या होता है कि जब टीचर अपना वो एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर देती हैं तो उसके बाद वेरी ऑब्वियस कि इंटरेक्शन के लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा. तो या तो वो क्लास में ओरल टेस्ट वगैरह रख लेती हैं, मतलब इस तरीके के चीज़ें वो करती रहती हैं ताकि बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी हो और वो सीखे पढ़े. मतलब या दिस इज़ नीडेड फॉर अ स्टूडेंट, तो इसलिए यूजली वो ओरल टेस्ट ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं. और ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली एक्सरसाइज क्वेश्चंस से ही पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछती हैं वो. तो मतलब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनका तो भाई बल्ले बल्ले, और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे दे विल बी लाइक अरे भाई अब क्या करें हम. सो दे विल बी कम्प्लीटली ब्लैंक इन दोज सिचुएशंस. सो वी वॉन्ट यू टू स्पीक इन दैट सिचुएशन एज वेल, एंड दैट्स द रीज़न हम चाहते हैं कि हम उन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाएं ताकि आपको वो ज़्यादा हेल्पफुल हो, ताकि आप उसे देखो और उन सिचुएशंस पे बोलो, ना कि मतलब ब्लैंक खड़े रहो. तो उस तरीके से क्या होगा कि कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आएगा और आप अपने टेस्ट वगैरह के लिए भी प्रिपेयर रहोगे. तो ये तो था भाई हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में. इसके अलावा हमने सोचा है कि जो एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, भोजों ने पहेली से ये कहा, दैट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, सो वी विल बी कवरिंग अप दोज एक्टिविटीज़ एज वेल. अब बात हुई, मतलब देर माइट बी अ क्वेश्चन कि एक्टिविटीज़ की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक्टिविटीज़ से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. वैसे बात तो सही है, मतलब देर आर वेरी लेस चांसेस कि क्वेश्चन आएगा एक्टिविटीज़ में से, लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं है ना, कोई गारंटी तो नहीं है ना कि क्वेश्चंस नहीं आए, आ भी सकते हैं. और मेजर क्या बोलते हैं, रोल जो होता है एक्टिविटीज़ का करने का इज़ नॉट लाइक कि आप एग्ज़ाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपके. द मेन मोटिव बिहाइंड दिस एक्टिविटीज़ इज़ लाइक आप अगर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो और उसके बाद उस एक्टिविटी को करते, मतलब उसके बाद जो एक्टिविटी दिया होता है उसके जस्ट नीचे, तो आप अगर उस एक्टिविटी को पढ़ते हो या प्रैक्टिकली करते हो तो क्या हो रहा है कि आप उस कॉन्सेप्ट को तो समझ रहे हो, उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकली करके या पढ़ के देख रहे हो. इसका मतलब क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में एक बहुत बढ़िया ग्रिप आ जाएगा. इसीलिए उन एक्टिविटीज़ को करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसलिए हम चाहते हैं कि हम उन एक्टिविटीज़ को भी कवर करें. तो एग्ज़ाम का तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि नहीं, इनकेस पूछ लिया तो दैट विल बी एक तरीके से, अगर आपने पढ़ लिया और एग्ज़ाम में पूछ लिया तो बेनिफिट ही है ना, मार्क्स ही आने हैं. तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम उन एक्टिविटीज़ को कवर करें. इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. क्या होता है यूजुअली कि हम स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि भाई एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लिया है, अरे भाई एक्टिविटीज़ भी पढ़ लिया है, अब क्या बचा है, अब तो फोड़ देंगे टेस्ट में, इस तरीके का मतलब बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं. और जब पेपर आता है सामने और देखते हैं अरे ये क्या हुआ, मतलब ऐसा ये मतलब जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आया हो और शायद हमने उसे पढ़ा ना हो, तो फिर हमारा तो भाई वहाँ पर हाल बहुत बुरा हो जाता है. मतलब सोचने लगते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, अब हम कैसे करें, ब्लैंक हो जाते हैं उस टाइम पर. जबकि ये नहीं सोचते कि ये तो आउट ऑफ माइंड, मतलब हमने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं थी तो आएगा कहाँ से हमें. तो इसलिए हम चाहते हैं कि उन सिचुएशंस में आप ब्लैंक ना रह जाएं, उन सिचुएशंस को आप फेस करो, वो मतलब फेस ना करो. और अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से क्वेश्चन आता है तो आप अच्छी तरीके से उन क्वेश्चंस को आंसर करो. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कराएंगे. तो ये था कुछ चीज़ें हमारे तरफ से. सो दीज आर द टास्क विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म. अब आपका टास्क क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो आपका टास्क है वो ये है कि आपको उन वीडियोस को पढ़ना है. मान लो कि 10 मिनट का आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो देखा उसे अच्छी तरीके से पढ़ लिया.
अब आपका सेकंड टास्क ये है कि जैसे ही आपने उसे पढ़ा उसके बाद उस सीधा जाके आप टेक्स्ट बुक खोलो और टेक्स्ट बुक से उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देखो ध्यान से और उसको समझो. रीज़न इज़ वेरी सिंपल. देखो, अगर आप एक बार वीडियो को देखते हो और ऐसा लगता है कि हाँ भाई सब समझ आ गया है मुझको, लेकिन मतलब ऐसा कुछ रहता है जैसे कि टेक्स्ट बुक पढ़ने का एक अलग ही इफेक्ट होता है यार. सो इसलिए आई एम इंसिस्टिंग यू कि आप जैसे ही टॉपिक कंप्लीट करो और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक को पढ़ो, तो क्या होगा कि दो बार आपने सेम कॉन्सेप्ट पे टाइम स्पेंड किया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा वो टॉपिक. तो फिर एग्ज़ाम के टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वो टॉपिक कर रखा है हमने, है ना. तो इसीलिए आपका ये टास्क है जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अच्छे तरीके से निभाओगे. सो दिस वर द फ्यू टिप्स फ्रॉम माई साइड. आई होप कि आपने समझा होगा हर टिप्स को और अच्छे से फॉलो करोगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.